हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, और पूरे भारत से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि पूरे भारत में कहीं पर भी आप हों, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में 2.5 से 3 महीने का जो पूरा कोर्स है, उस पूरे कोर्स में क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, क्या डिटेल होगी, उसके बारे में मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को डेमो की कोई जरूरत ना पड़े, सीधे तौर पर आप क्लास शुरू कर सकते हैं। और क्या कुछ रहेगा उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे कि आप आज जानते ही हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस या ही ज़्यादा जरूरी हैं, स्कूल में कॉलेज वगैरह सब बंद पड़े हुए हैं, और अभी आगे भी कोई चांसेस नहीं है कि खुलेंगे या बड़ी जल्दी खुल जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अभी भी आप जानते हैं, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी लगभग 8.5 लाख के ज़्यादा केस अभी हो चुके हैं। तो कोरोना काल में तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, और अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश के बेस पर उसको बड़ी आसानी से जॉब मिल सकती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बोला था कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आसानी से जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए खैर बात शुरू करते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज में हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ज़्यादातर हम आपको उस ऑनलाइन क्लासेस में आपको बुलवाने का चांस देंगे, और उसके लिए एक तरीका है जो मैं अपनी पिछले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे, बट टेंसेस का वो तरीका नहीं, टेंसेस पढ़ाने का एक बिल्कुल नया तरीका, जिसमें बड़ी आसानी से आपको सारी ग्रामर आ जाएगी, और टेंस भी हम केवल एक फॉर्मूले से ही करेंगे। यानी कि सारे टेंस को पढ़ाने के लिए केवल हम इकलौता फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके आधार पर ही हम सारे ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा कुछ ग्रामर के और महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे, जैसे कि हैव टॉपिक है। हैव एक बहुत लंबा टॉपिक है, और इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, हैज हैव हैड मेक यू मैड। अगर आपको हैव की क्लियर कंडीशन क्लियर होगी, या जो भी हैव का इस्तेमाल है वो समझ में आ गया, तो आपको बिल्कुल इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी, और पूरी सारी इंग्लिश भाषा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, अगर एक हैव की बात समझ में आ जाए, और एक अकेला हैव ही आपको बिल्कुल पागल बना के रखेगा। तो हैव के बहुत सारे यूज हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे अपने पूरे कोर्स में बात करेंगे। इसके अलावा इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, लेट गेट बी मेक्स यू फ्री। लेट गेट बी मेक्स यू फ्री। अगर आपको लेट की ग्रामर आती है, गेट की ग्रामर आती है, बी की ग्रामर आती है, तो आप बिल्कुल फ्री हो इंग्लिश की तरफ से। ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में या सेंटर पर काफ़ी लोग या टीचर काफ़ी कह लो लेट तो पढ़ाते ही नहीं है या लेते नहीं है, या सिर्फ एक तरीका लेते हैं, लेट मी गो, लेट मी स्पीक, बस। लेट के हम प्रश्न करने वाले वाक्य भी लेट से बनते हैं, और WH फैमिली से भी लेट के बहुत सारे वाक्य बनते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, तो आई वॉन्ट लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू डाई। इस तरह से बहुत सारे वाक्य लेट के बनते हैं। लेट वर्ड वर्ब भी है और नाउन भी है। तो क्लासेस में हम पूरी तरह से खोल के बताएंगे कि लेट का क्या इस्तेमाल है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या डिटेल रहती है, वो सब। इसके अलावा बी का टॉपिक एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी लोग बी के बारे में इतनी डिटेल बता ही नहीं पाते, या शायद उन्हें खुद नहीं आती। बी काफ़ी जगह पर आता है, और बी अपने आप में एज ए वर्ब यूज़ किया जाएगा, बी की फॉर्म भी होती है, बी वॉज बी। तो बी को पढ़ाएंगे कैसे बना है, कुछ वाक्य मैं बी के ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैं, अगर कुछ पैसे में भी बी लगाया जाता है, और जो एज ए नाउन है उसमें भी बी लगाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं टीचर बनूंगा, तो आई विल बी टीचर। तुम टीचर क्यों बनना चाहते हो, वाई डू वॉन्ट टू बी टीचर, तो उन सब जगह पर बी आ रहा है। इसी तरह से अगर हम कुछ पैसे में लें, पैसिव का पूरा टॉपिक हम क्लास में डिटेल में पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे वो सारा। जैसे मैं कहूँ कि
पार्टी दी जा रही है, पार्टी इज बीइंग गिवन, तो वहां पर भी बी आ रहा है। तो बी क्यों आता है, बी का क्या रोल है, पूरी बायोग्राफी बी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपको अभी जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस का पूरा रोल है क्या कुछ उसमें रहेगा वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा एक गेट का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट का। गेट के भी हमारे बहुत सारे वाक्य बनते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला लेट गेट बी मेक्स यू फ्री, यानी कि गेट भी आपको आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल ले लो, बड़ा आसान से एग्जाम्पल लेना, जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने बाल कटवाता हूँ तो उसकी इंग्लिश बनेगी आई गेट माई हेयर कट। अब आई गेट माई हेयर कट, कट की वहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, तो पहली बात वर्ब भी आनी चाहिए, वर्ब से आगे और सेंटेंस बनेंगे। तो गेट की ग्रामर में वर्ब पर बेस्ड कर रहा हूँ, वर्ब आनी चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक्स है, टेंसेस पहले आने चाहिए। टेंसेस के लिए मैंने बताया कि हम क्लास में यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में केवल एक फॉर्मूला लेंगे, इकलौता फॉर्मूला लेंगे और उसी से सभी टेंसेस को कंप्लीट करेंगे, प्लस जितने भी ग्रामर के एडवांस टॉपिक हैं उन सभी को इसी में डाल लेंगे। तो गेट के और भी बहुत सारे वाक्य बनते हैं, जैसे कि अगर हम कहें गेट की ग्रामर का एक पार्ट है, जैसे मैं कहूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, और मैं शादी कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग मैरिड, तो वहां पर भी ग्रामर एक आई, गेट की ग्रामर आई। इस तरह से बहुत सारे और वाक्य अगर लें कि मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवा रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग माई सेल फोन रिचार्ज, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वहां पर रिचार्ज की, तो गेट की ग्रामर से वो वाक्य बन रहा है। तो इन सभी टॉपिक को हम पूरी डिटेल्स में लेकर चलेंगे। इसी तरह से और कोर्स में क्या करेगा, एक टॉपिक हमारा स्लैंग का भी है, स्लैंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पोकन में ज्यादातर अंग्रेज लोगों की बात की जाए तो स्लैंग सबसे ज्यादा अंग्रेज लोग बोलते हैं, उनमें बड़े आसान से मैं कुछ स्लैंग्स ले रहा हूँ, जैसे कि वाना है, गोटा है, एंट है, गोचा है, ये बहुत ज्यादा बोलने में आते हैं, खासकर गोटा। जब भी हम स्पोकन की बात करते हैं, इंग्लिश मूवीज की बात करते हैं, तो मोस्टली वहां पर गोटा का इस्तेमाल किया जाता है, और काफी लोग बस ये शक्ल देखते रहते हैं कि गोटा है क्या, डिक्शनरी में देखेंगे तो वो बता देगा कि गोटा ग्रामेटिकली के हिसाब से गलत है, यानी कि ग्रामर के अकॉर्डिंग दैट इज रॉन्ग, बट स्पोकन में लगाया जाता है। वाना आप लोगों ने काफी सुना होगा, इसी तरह से गोना है, गोना भी एक क्या है, स्लैंग है। स्लैंग को अगर मैं छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो स्लैंग का मतलब होता है भाषा का एक बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि टूटा फूटा रूप को हम स्लैंग कहते हैं। स्लैंग की बहुत सारी डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स हम आगे लेकर चलेंगे, यानी कि पूरे कोर्स में स्लैंग को भी पूरी स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसके अलावा एक स्लैंग आपका होता है एंट, एंट भी स्पोकन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश मूवीज वगैरह में यूज होते हैं, और ये सारे इनफॉर्मल स्टाइल यानी कि भाषा का ये बिगड़ा हुआ रूप स्लैंग्स हैं। स्लैंग की पूरी डिटेल्स है, तो उसको हम अपने पूरे कोर्स में अच्छी तरह से कवर करते हुए चलेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स मैं और भी ले जा रहा हूँ, जैसे कि कुछ फ्रेजल वर्ब हैं। फ्रेजल वर्ब भी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, खासकर काफी लोग इंग्लिश का अखबार इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें फ्रेजल वर्ब नहीं आती। फ्रेजल वर्ब का कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि इंग्लिश मूवीज की क्या बात करूँ, हिंदी गानों में भी एक वर्ड्स है हैंगओवर, एक गाना भी है तेरी यादों का हैंगओवर, तेरी बातों का हैंगओवर। तो हैंगओवर क्या है, हैंगओवर एक फ्रेजल वर्ब है। हैंगओवर का मतलब होता है किसी चीज की खुमारी चढ़ना या नशा छा जाना, उसको हैंगओवर बोला जाता है। इस तरह से गिव अवे है एक वर्ड्स, मैं वो ले रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब भी है वो। गिव अवे का मतलब होता है कन्यादान करना। अब इसमें कन्या तो कहीं आई नहीं और दान करना भी नहीं आया, तो ये कैसे बना, इन सभी की पूरी बायोग्राफी हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में कुछ मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, और प्लस ऑनलाइन क्लासेस में हम उसको और डिटेल में लेकर चलेंगे कि अमेरिकन में कौन कौन से वर्ड ज़्यादा बोले जाते हैं, ब्रिटिश में ज़्यादा वर्ड कौन से बोले जाते हैं, और दोनों में क्या अंतर है, ग्रामर के हिसाब से क्या अंतर है, वर्ड मीनिंग के हिसाब से क्या अंतर है, या
परमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, तो वो सारा हम पूरा बायोग्राफी समेत डिटेल में इसमें करेंगे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल की क्लासेस में जाएं तो वहाँ पर हम लिसनिंग क्लासेस की बात भी करेंगे। लिसनिंग क्लासेस का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं, उनका तरीका क्या है, उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वो सब बताएंगे, ऑनलाइन ही बताएंगे, जिससे अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, क्या क्या वर्ड बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो वो सारे आपको समझाएंगे। इसके अलावा कुछ पीडी क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पिक्चर राउंड में पूरी डिटेल है उसकी, एक पिक्चर शो करेंगे, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना आप उसके बारे में इमीडिएटली सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। इसके अलावा जैम राउंड हो गया, जस्ट ए मिनट राउंड उसकी फुल फॉर्म रहेगी, सेलिब्रिटी राउंड हो गया, ये सभी बातें हमारे कोर्स में इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ कि WH फैमिली का कंसेप्ट है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, इनमें भी काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। जैसे कि वट की अगर हम बात करें, अगर पूछें कि वट का क्या मतलब होता है, तो काफ़ी लोग 100 में से 99.99% लोग कहेंगे कि वट का मतलब क्या होता है, जबकि वट का मतलब क्या नहीं होता है, उसकी एक सेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको बोलना चाहिए, ठीक है। तो वो सारा हम ऑनलाइन क्लास में, सिर्फ यहाँ पर वही टॉपिक ले रहा हूँ जो ज़्यादातर हम बोलने में स्पोकन में लेते हैं, तो मैंने सारे टॉपिक बल्कि यहाँ लिखे हुए हैं, जो जो हम लेंगे तो वो सारे टॉपिक्स हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बकायदा। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक अगर मैं लूँ, पैसिव, जो एक्टिव पैसिव वाइज आपने सुना होगा, जो इंग्लिश बोलने में पैसिव जो इस्तेमाल होते हैं वो ही हम आपको पढ़ाएंगे, जो बोलने में आते हैं। बोलने में आने का मतलब इंग्लिश के अखबार में जो इस्तेमाल होते हैं या जो जनरल इंग्लिश की किताबों में यूज़ होते हैं, जो स्पोकन में इस्तेमाल होते हैं, वही पैसिव पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के ना होकर फ्रेंच के वर्ड्स हैं, और केवल इंग्लिश, जैसे कि मैं अपने कुछ और वीडियोज़ में ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंग्लिश के अलावा कुछ और दूसरी भाषाओं के वर्ड भी इंग्लिश में आ गए हैं। जैसे कि बड़ा आसान सा एग्जांपल, शादी के कार्ड पर लिखा होता है RSVP, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्पोंडेंस सिल वॉइस प्लान। अब ये वर्ड क्या है, ये फ्रेंच का वर्ड है, ये इंग्लिश का नहीं है। तो बहुत सारे फ्रेंच के वर्ड या इटालियन भाषा के वर्ड्स, जैसे हम गुड बाय बोलते हैं, गुड बाय को चाओ भी बोलते हैं, तो वो भी सारी बातें डिटेल में पूरी तरह से एक एक करके लेंगे। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो स्पोकन में, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग में जो जो टॉपिक्स, यानी कि ऑनलाइन क्लास में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ जो स्पोकन में इस्तेमाल होते हैं, और हम अपने पूरे ऑनलाइन कोर्स में वो सारी बातें लेकर चलेंगे। इसके अलावा कुछ CV कैसे बनाना, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, अपना CV बहुत कई जगह भेजते हैं हम अपना, इसको आप बायोडाटा बोलते हैं, CV होता है कैरिकुलम वाइटे। इसके अलावा रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम और CV में अमेरिकन ब्रिटिश के अंतर है, CV जो ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है और रिज्यूम जो बोलते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश में, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। तो इस तरह से पूरे कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजें हम एक सीक्वेंस वाइज एक क्रमबद्ध रूप में लेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, ताकि बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक जाया जाए। सबसे पहले टेंस लेकर, बिल्कुल जीरो से लेकर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और आगे एडवांस ग्रामर, एडवांस ग्रामर में जाकर आपको बुलवाएंगे वो चीजें, प्लस ताकि इंग्लिश का आपको अच्छा माहौल दे पाए, एटमोसफेयर दे पाए, जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोल लें। तो ये सारी बातें जो मेन महत्वपूर्ण बातें थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। उसके अलावा ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम और भी पढ़ाएंगे क्लास में, जबकि अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊँ तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मुझे सारे कोर्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो। यहाँ पर मैंने बहुत मोटी मोटी सी बातें आपको बताई, जिसमें से अगर हम बात करें कुछ, काफ़ी टॉपिक तो शायद आम बंदे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनमें से आप बी का टॉपिक ले सकते हैं। एक अच्छे बंदे से अगर पूछ लें कि बी का क्या इस्तेमाल है, तो वो बस इतना बोल देगा बी आता है, बट ये नहीं पता क्यों आता है, बस आता है लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्यों लगाते हैं। तो पूरी डिटेल में हम अपनी ऑनलाइन क्लासेज में चीज़ें लेंगे। तो ये सारी बात रही हमारी ऑनलाइन क्लासेज में जो जो पढ़ाया जाएगा उसे संक्षिप्त में। इसके अलावा और किसी का कुछ डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में
वो ले सकता है कि सर ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या टॉपिक लिए जाएंगे, क्या ये टॉपिक लेगा, जो भी कुछ क्वेरीज या उसकी डाउट हो तो वो मुझसे बड़ी आसानी से पूछ सकता है। नीचे नंबर भी चल रहा है तो फोन करके भी आप पूछ सकते हैं, उसके अलावा मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट हो। उसके बाद अपने डाउट क्लियर करने के बाद एडमिशन ले, आप फी जमा करें, उसके बाद हम आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे। और जितनी भी कहानी मैंने यहाँ पर गाई वो सारी कहानी मैं केवल एक फॉर्मूला ही लेकर चलूंगा पूरे कोर्स में, और उस फॉर्मूले को ही हम पूरे कोर्स में लेकर चलेंगे, उसी में सारी ग्रामर में डालूंगा। तो ये हमारा कुल मिलाकर जो ऑनलाइन का सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स की डिटेल रहेगी। तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। तो होप कि आप ऑनलाइन कोर्स में हमारे साथ जुड़ेंगे, एडमिशन लेंगे, जिससे आपका बेनिफिट हो, आप भी इंग्लिश सीखें और पूरे लाइफ टाइम के लिए, केवल 2.5-3 महीने का नहीं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, 2.5-3 महीने के अलावा भी लाइफ टाइम के लिए आप फ्री भी होंगे ऑनलाइन कोर्स पर। बट फ्री में कंडीशन ये रहेगी कि इंग्लिश बोलने के लिए आप फ्री हैं, बीच बीच में हम सेमिनार वेबिनार करते रहेंगे, जो 15-20 दिन की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आप इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश का मोल प्राप्त कर सकें, और काफ़ी लोगों के सामने, मे बी 100 लोगों के सामने आपको बोलने का चांस दिया जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग का, ताकि आपके जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाए, बोलना आपको आए। तो लाइफ टाइम की भी फ्री की बात मैं कर रहा हूँ, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चले खैर, तो ये रही हमारी ऑनलाइन क्लासेस। तो होप है कि आप मुझे मेरे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और अपना बेनिफिट आसानी से इजीली करेंगे, ताकि आपको आसानी से इंग्लिश के सभी टॉपिक समझा पाएं हम अच्छी तरह से। चले खैर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो मैं डालूंगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, एडवांस ग्रामर से रिलेटेड, तो वो आप सभी तक पहुंच जाए बड़ी आसानी के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वो आप तक पहुंच जाएंगी। प्लस लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। किसी को शिक्षित करना भी एक बहुत अच्छी देशभक्ति है, क्योंकि शिक्षित लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। जो शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, वो क्या आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो आप भी सब लोगों को ज्ञान बांटें और वीडियो को आगे भेजें, ताकि और लोगों का भी ज्ञान बढ़े। चलिए खैर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।